उसका मतलब होता है कि हाँ, इससे पहले एक चीज मैंने बताया था कि ये जो सेल्स होते हैं ये किसमें होते हैं, लोब्यूल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। और लोब्यूल्स किसमें होता है, तो मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, आपको याद होगा, ये देखिए ये डायग्राम एक लोब्यूल का है, लोब्यूल के अंदर ये क्या है, ये दरअसल सीरस सेल्स है। ये क्या है, सीरस सेल्स है। एक लोब्यूल में कितने होते हैं, 8 से 10 सीरस सेल्स होते हैं। और ये लोब्यूल मैंने आपको बताया था कि ये कहां पर होता है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो हमने क्या किया था बेसिकली, ये सीरस सेल नहीं है, सीरस सेल जो है इसके अंदर लाइफ होता है, और बेसिकली क्या होता है इसमें जो है ये सेक्टर के जरिए जो है इसको क्या करते हैं, बांध दिए जाते हैं, कितने में, 8 से 10, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं थ्रू दी जंक्शन से, डायग्राम बना रहे हैं हमने, क्या क्या होता है, डोना ऑक्लूडेंस होता है, डोना एडहेरेंस होता है, डोना मैक्युला होता है, ये डिफरेंट टाइप्स के जंक्शनल सेल्स होते हैं जिसका काम बेसिकली क्या होता है कि सेल को होल्ड करके रखना, सेल को होल्ड करके रखना, या फिर इसमें से क्या होता है कि कौन सी चीज, यानी ये परमेबिलिटी को भी मेंटेन करता है कि कौन सी चीज को हमें आने देना है, कौन सी चीज को हमें नहीं देना है, ये सेल पे करता है, ठीक है। अब हमने एक सेल को लिया और एक सेल का हम डायग्राम आपको इनलार्ज करके दिखा रहे हैं उसके बेसिकली क्या होता है। अगर हम सेल्स को देखेंगे तो हमारा ये जो सेल है ये पिरामिडल स्ट्रक्चर का है और इसका जो बेस पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है। ये जो है हमारा बेसिकली ये क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जिसके बेसमेंट मेम्ब्रेन में बेसिकली क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में बेसिकली हमारा जो बेसल एंड है सेल का वो लाई करता है। और ये बेसल एंड बेसिकली क्या होता है, बेसल एंड को आप करिए, ये बेसल एंड होता है ये ब्रॉड होता है, जबकि इसका एपिकल एंड जो है वो क्या होता है, नैरो होता है। अब इसका जो न्यूक्लियस है, इसका नाइन की बात तो सेल है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, इसका न्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है, ये टुवर्ड दी बेसल एंड होता है, ठीक है। और इसके लेटरल साइड में या बेसल साइड में क्या होते हैं, रक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और क्या होता है इसमें गॉल्जी अपैरेटस होता है। इसके अलावा यहाँ पे और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है, तो होता क्या है कि जब भी सेल्स को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, सलाइवा या कोई भी नॉर्मल सेल किस तरह से काम करता है, तो उसका एक क्या होता है, एक स्टिमुलस आता है वहां पे न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में बेसिकली क्या होता है कि वहां पे जो डीएनए होते हैं वो डीएनए क्या करता है, बेसिकली आपका मैसेंजर आरएनए फॉर्म करता है, मैसेंजर आरएनए से जो है क्या होता है, आपका साइटोप्लाज्म में आता है, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद यहाँ पे जो है बहुत सारी प्रोटीन और इंगोजर सेक्रेटरी क्या है, ऑर्गेनेल्स है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो कहां होता है, रक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। रक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, बट ये कंप्लीट प्रोटीन का फॉर्मेशन यहां पे नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि वो जो है प्रोसेस किया जाता है किसके जरिए, आपको गॉल्जी अपैरेटस के जरिए। गॉल्जी अपैरेटस में बहुत सारे एंजाइम ऐड करते हैं और एंजाइम ऐड करने के बाद फाइनली वो आपको जो है एक फाइनल प्रोटीन देता है, और वो उसको वेसिकल की शक्ल में क्या करता है, स्टोर रखता है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीनियस सब्सटेंसेस होते हैं, या जो भी सब्सटेंसेस उन्होंने प्रोड्यूस किया है वो सब्सटेंसेस
सिंथेटिक के अंदर होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, जाइमोजन ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। फिर ये जाइमोजन ग्रेन्यूल्स क्या होता है, ये जाइमोजन ग्रेन्यूल्स जो है ये क्या करता है कि जो आपका सीरस सेल का एपिकल एंड है, एपिकल एंड में जाकर के क्या करता है, यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये वेसिकल क्या करता है, एपिकल एंड के बेसमेंट मेम्ब्रेन के क्या सेक्रेटरी सब्सटेंस है और आप कह सकते हैं जो प्रोटीन है सबसे बड़ा सर इको प्रॉब्लम न्यूक्लियस से स्टार्ट हुआ और अप टू द रिलीज ऑफ वेसिकल्स या सेक्रेटरी मटेरियल उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि अगर अनस्टिम्युलेटेड सेल्स है तो अनस्टिम्युलेटेड सेल्स में क्या होता है वेसिकल्स आपको जो है एपिकल एंड में बहुत ज्यादा होता है ठीक है। जबकि अगर यही स्टिमुलेटेड कंडीशन होगा तो क्या होगा कि बहुत सारे जो वेसिकल्स हैं वो ऑलरेडी रिलीज हो जाएंगे या निकल जाएंगे और बहुत कम अमाउंट में आपको बेसिकली क्या होगा वेसिकल्स आपको यहाँ पे दिखेगा ठीक है। तो ये आप अब दोनों क्या होता है इस डक्ट में भी क्या होता है क्योंकि डक्ट के अंदर भी लाइनिंग होती है उसमें भी सेल्स होते हैं तो उसमें जो सेल्स होते हैं ये हमने तो आपको स्ट्रक्चर बताया वो सीरम सेल का स्ट्रक्चर बताया। सीरम सेल और म्यूकस सेल में थोड़ा सा डिफरेंस है ठीक है। वो डिफरेंस हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी कल कर चुके हैं पूरा दस रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि कल थोड़ा सा बोर्ड का प्रॉब्लम था उसकी वजह से थोड़ा रेड पेन मत यूज कीजिए नहीं दिख रहा है। जो म्यूकस सेल्स है दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि उसमें आप देख रहे थे उसमें क्या था, उसमें एक्सटेंशन था, चैनल था या फिर दोनों के बीच में या रिसेप्टर के बीच में क्या होता है एक गैप था ठीक है। एक्सटेंशन था इसका अब आता नहीं ठीक है। जबकि इन सेल्स के बीच में क्या है गैप नहीं है। दूसरी चीज उसमें हमने नंबर ऑफ सेल्स कहा था कि उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं 8 से 10 होते हैं जबकि आप इस सेल को देखिए तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब इसका डिफरेंस क्या है और इसका डिफरेंस यहाँ पे है। इसका डिफरेंस में क्या होता है कि जो इसका न्यूक्लियस जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि सीरस सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो किस तरह का होता है स्फेरिकल टाइप का होता है। किस तरह का होता है स्फेरिकल टाइप का होता है जबकि म्यूकस सेल में जो है जो न्यूक्लियस होगा वो किस तरह का होगा इसको हम लोग देख लीजिए ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस समवॉट क्या होगा फ्लैट होगा ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। बाकी प्रोसेस या मैकेनिज्म उसी तरह की से होता है। इसमें एक और डिफरेंस होता है कि जो सेक्रीशन होता है सेक्रीशन के नेचर में डिफरेंस होता है क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो गोल्जी मतलब जो भी आप कर रहे हैं ये इसमें क्या होता है ग्लाइकोसाइलेशन होता है यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट का इनकॉर्पोरेशन होता है। ये मेजर दो डिफरेंस है जो आपको जानना चाहिए। इसके अलावा हमने एक और सेल्स के बारे में बताया था जिसमें हम क्या बोल रहे थे मायोसिनियल सेल्स के बारे में बोल रहे थे। तो उसके बाद में थोड़ा सा दो तीन बातें इंपॉर्टेंट जान लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग आज के मेन टॉपिक पे आएंगे जो हम लोग का मेन टॉपिक है सलाइवा के बारे में।
सर इको प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट नंबर क्या क्लास कर रहे थे जब भी एलियन एलियन सर कौन था एपिथेलियल सर जो आपको मैंने दिखाया था बस सर दिखा रहे थे क्या बाहर में क्या आउटलाइन हमने एक सेल दिखाया था जिसको मैं क्या बोल रहे थे एपिथेलियल सर बोल रहे थे एपिथेलियल सर को क्या बोलते हैं तो कुछ ये इस टाइप का नजर आता है यानी एपिथेलियल सेल मायो एपिथेलियल सेल मायो का बेसिकली मतलब ये है कि मतलब ठीक है इसका मतलब क्या है मतलब यानी ये सेल जो है बेसिकली एक्ट करता है एज ए स्मूथ मसल सेल क्योंकि इसका जो ओरिजिन होता है सेल का वो कहां होता है एपिथेलियम से होता है इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं मायो एपिथेलियल सेल बोलते हैं। मायो एपिथेलियल सेल जो होता है अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो सेल है इसका न्यूक्लियस क्या होता है इसका न्यूक्लियस भी फ्लैट होता है और ये किधर होता है बेसिकली टुवर्ड दी बेसल एंड होता है और इसमें क्या होता है बहुत सारे प्रोसेस होते हैं क्या होते हैं प्रोसेसेस होते हैं और इसमें क्या होता है कि एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट पाए जाते हैं और आपको पता है कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी मसल्स की ठीक है तो बेसिकली ये इसका मतलब जो इसमें इसके अलावा इसमें क्या इसमें कॉन्टेक्ट टाइप फाइबर्स होते हैं ना ये कॉन्टेक्ट टाइप फाइबर क्या होते हैं ये कॉन्टेक्ट टाइप फाइबर बेसिकली वही चीज होते हैं एक्टिन और मायोसिन इसका मतलब जो है ये कहने में हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन में इसके अलावा इसका मेन काम क्या है कि वो आपका कोलेजन प्रोड्यूस हो रहा है इसको एक प्रेशर क्रिएट करना क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये मूवमेंट करेगा मूवमेंट करने से क्या होगा इसमें एक प्रेशर डेवलप होगा जिसकी वजह से फ्लो ऑफ सलाइवा जो है वो क्या हो जाएगा तेज हो जाएगा अब इसमें क्या होता है कि ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये एपिथेलियल सेल्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं तो ये बेसिकली दो जगह प्रेजेंट होता है एक हम लोग कह रहे हैं एसाइलस में और दूसरा होता है इंटरकैलेटेड डक्ट में इंटरकैलेटेड डक्ट में और एसाइलस में जब हम एसाइलस की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये सीरस एंड म्यूकस दोनों की बात कर रहे हैं यानी सीरस एसाइलस में भी होगा और म्यूकस एसाइलस में होगा इसके अलावा अगर डक्टल सिस्टम में बात करें तो डक्टल सिस्टम में बेसिकली क्या होगा सिर्फ इंटरकैलेटेड डक्ट में ये एपिथेलियल सेल्स पाए जाएंगे इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रैटेड डक्ट में नहीं मिलेगा और मेन या एक्सट्रैक्टेड डक्ट जिसको हम कह रहे थे उसमें नहीं मिलेगा ठीक है तो ये इन दोनों में प्रेजेंट होगा बट स्ट्रैटेड और एक्सट्रैक्टेड डक्ट में प्रेजेंट नहीं होगा अब दोनों में अगर डिफरेंस है कि एसाइलस सेल्स में जो प्रेजेंट होगा और इंटरकैलेटेड डक्ट में जो प्रेजेंट होगा उसमें दोनों में क्या है थोड़ा सा वेरिएशन है यानी दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वेरिएशन है बेसिकली क्या होता है कि जो एसाइलस में जो मतलब जो ये पाए जाते हैं हमारे किसी तरह से पाए जाते हैं उसमें क्या होता है कि बेसिकली उसमें जगह जगह जो हमारे जो एसाइलस सेल्स हैं उसमें जगह जगह डिप्रेशन होते हैं क्या आपने देखा मान लो कि ये डिप्रेशन है ठीक है जिसको गटर वाइज स्ट्रक्चर कह रहे हैं ठीक है और इसी तरह मान लो कि ये है इस तरह से डिप्रेशन होते हैं तो क्या होता है कि इसमें मायो एपिथेलियल सेल्स जो है बेसिकली क्या करता है ये आकर के इसमें फिट हो जाता है ठीक है तो ये आकर के इसमें फिट हो जाता है ये इसमें आकर के फिट हो जाता है तो इस तरीके से क्या होता है कि जो आपको एसाइलस सेल्स में मायो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपको स्मूथ नजर आते हैं जबकि इंटरकैलेटेड डक्ट में क्या होता है कि ये डिप्रेशन नहीं होता है या इसको गटर्स भी बोलते हैं गटर या डिप्रेशन इसको बास्केट सेल भी बोलते हैं ठीक है तो ये थोड़े से डिस्कशन लुक्का हम लोगों ने किया था उसके बारे में
अब हम लोग अपना मेन टॉपिक पे आते हैं, आज के टॉपिक पे, वो क्या है सलाइवा। अब आपको ये बात समझ में आ गया सलाइवा कैसे प्रोड्यूस, सलाइवा सेल में प्रोड्यूस क्या है, साइलस में, साइलस से ह्यूमन में क्या, ह्यूमन से डक्टल सिस्टम में क्या, और डक्टल सिस्टम से अल्टीमेटली कहां आ गया माउथ में, क्या आ रहा है हमारा सलाइवा आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग सलाइवा की बात करते हैं। देखिए सलाइवा को बेसिकली हम लोग बॉडी में कुछ जो है हमारी बॉडी में कुछ सेक्रेशन है, उसका अमूमन एक क्वेश्चन आपको नॉर्मली पूछा जाता है इन सारे सेक्रेशन में, जैसे मान लीजिए सलाइवा पूछ लिया जाए, गैस्ट्रिक सेक्रेशन का जूस पूछ लिया जाए, पैंक्रियाटिक जूस पूछ लिया जाए, इंटेस्टाइनल जूस पूछ लिया जाए, या फिर बाइल के बारे में पूछ लिया जाए, या फिर आपको सीमन के बारे में पूछ लिया जाए, या फिर आपको सीएसएस यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में पूछ लिया जाए, जनरली इन सेक्रेशन या इन जूसेस के बारे में, या आप कह सकते ये जो आपका फ्लूइड है बॉडी में इनके बारे में हम एक क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है। तो हम लोग आज की क्लास में जो करेंगे वो यही करेंगे कि हम लोग अपने इस जूसेस के बारे में या इसके कंपोजिशन के बारे में जो भी करेंगे उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तैयार करेंगे कि अगर हमें कोई भी चीज पूछी जाए तो हम कैसे आंसरिंग करें, और ऐसे स्मार्टली आंसरिंग करेंगे उसको कि हमें सब ये कॉमन हो जाए, यानी हमें वो चीज जाना है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा लेकिन हम तरीका यही हम तैयार करेंगे, और उस तरीके से हम उसको करेंगे कि सारे कोई भी जूसेस पूछा जाएगा तो हम उसी हेडिंग में, तो उससे फायदा क्या होगा एक ही हेडिंग में टॉपिक याद कर लें तो हम उसको सब जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी रहा सवाल की क्या क्या चेंजेस आएंगे वो जाहिर सी बात है जब हम इंडिविजुअल जूस पाएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि यहाँ पे ये चेंजेस आ रहे हैं, ये डिफर कर रहा है, ये चीज आपको याद करनी है, बाकी ये चीज कॉमन है। अब सबसे पहले आ रहे हैं हम लोग का सलाइवा के बारे में, सलाइवा के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और सलाइवा क्या है बेसिकली, सलाइवा एक जो है मिक्सचर है, इसका मिक्सचर है किसका, मेजर सेलुलर ग्लैंड सर रिमूव कर दे क्या भाई, क्या प्रॉब्लम हो रहा है समझ में नहीं आ रहा सर, लेफ्ट हो गया क्या स्पार्क भाई, हां सदम भाई, अरे भाई वीडियो और वॉइस सर म्यूट कर गए क्या, हां लेफ्ट हो गया सर, अरे आज तो कल से भी बहुत बुरा हाल है भाई, आवाज म्यूट हो गया सर, लेफ्ट नहीं हो गया, मैक प्रॉब्लम वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है सर, का मैक जो है दूर है, माता भाई माता भाई, हां सर वीडियो क्वालिटी सही है, माइक माइक प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है, माइक प्रॉब्लम वही है, वीडियो क्वालिटी सही होगी, वीडियो क्वालिटी सही है, माइक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है, अरे फैसल भाई बोल रहे सर समझ में आ रही है सर, जो है ना कंटिन्यू बोल रहे इसलिए और दिक्कत हो रहा है, थोड़ा ब्रेक नहीं ले रहे बीच में, हाँ ब्रेक नहीं ले रहे हैं, और ये भी नहीं पूछ रहे कि समझ में आया या नहीं, ये तो सर मान के चल रहे समझ रहे हैं भाई, कामिल भाई क्लास की वजह क्लासरूम का स्पेशल डिजाइन होता है यार, इको प्रोड्यूस नहीं होता क्लासरूम का, और उसके बाद क्या क्या होता है हॉल का, यहाँ पे दुनिया भर का, थोड़ी देर में माइक आ रहा है सर, मैसेज किए न्यूज मैक्टर न्यूज का कोर्स मार्क, सर गुम भी हो गए, कहाँ चले गए सर, भाग गए सर, माइक लाने गए होंगे शॉप से, माइक लाने गए, क्लास लेते लेते सर दौड़ के चले गए माइक लेने, आपकी बार मोदी सरकार, ऐसा मत बोलो भाई हम पक्के कांग्रेस के सपोर्टर हैं, और बर्बाद कर लीजिए अपने आप ने भाई, पकड़ के लाओ कामिल भाई योगा, योगा करके आओ, योगा कामिल भाई योगा कीजिए पहले हॉस्पिटल में, चुतिया को लाके भाई माइंड योर लैंग्वेज, कामिल भाई योगा करते हैं क्या, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ भाई सुबह शाम योगा करते हैं, अच्छा अच्छा इसीलिए बाल झड़ जाता है योगा करने से क्या, रामदेव बाबा को देखे पूरा बाल झड़ा लिया अपना अपना हेड को घुमा लेता है योगा करने से सिंगल में,
वही ना बोला है, मोदी सरकार जब तक रहेगा ना, जब तक हम लोग बर्बादी के जरिया कुछ नहीं है। मोदी सरकार ने तो और भी बर्बाद होने की, हो गए हम लोग बर्बाद। हाँ भाई आयुष ज्यादा बर्बाद होने मोदी सरकार लगे ना, थोड़ा बहुत जो भी बचा वो भी उड़ाएगा। ओहो क्या उड़ जाएगा, तीन चार बाल बचा हुआ सर में वो भी उड़ जाएगा। नहीं चार नहीं भाई, इनफाइनाइट है, अभी भी गिन नहीं पाएंगे। तो टॉन्ट मार रहा लग रहा है फाग भाई आपको, अपना छोटा भाई का मजाक उड़ा लो सब भाई, कोई बात नहीं। सर आ गए क्या? हेलो यस, हेलो कहाँ गए सर? वेट करो सर आ रहे। आए तो हुए सर, वो खाजा सर, खाजा सर थे पका ले ना अकेला। सर के भाई लग रहे थे ये, अपना भाई। अच्छा अपना भाई है, कैसे पता लग रहा था? वही सकल मिला मिला के चेक कर रहे हैं कि मिला पता मिला है के चेक कर रहे हो ना? मिला मिला के चेक कर रहे, मिला मिला के। ज्वाइन हो गया शायद, देखो एमबी भी बहुत ज्यादा कट रहा है यार। सर ज्वाइन हो या लीव हो क्या मतलब है? बहुत वो डिस्कनेक्ट हो जब, जब साउंड इको कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें? कॉलेज की लाइट चली गई थी, बहुत लोग हो गया था जा यार। जनरेटर चालू ऑन हो गया, जनरेटर चालू किया जाए मेरा भी रूप। नहीं नहीं सब है, मत आप जनरेटर चालू करो। अच्छा अशफाक भाई जनरेटर ऑन करते हैं, मेरा भी लाइट चली गई। बढ़िया तकलार हुआ ही नहीं अब जनरेटर। अरे आजकल तब जनरेटर लग गया, यहाँ बहुत ज्यादा लाइट दिया जा रहा है यार। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, सर स्लाइड से पढ़ाते थे ना, बहुत अच्छा मतलब मजा आता। हाँ सर को स्लाइड से, सर को स्लाइडे से बोला जब पढ़ाने के लिए। नफीस सर को सही बात है, नफीस सर स्लाइड से ही पढ़ाए, बहुत अच्छा था यार। हम लोग नोट भी कर लेते थे स्लाइड पे, सर लिखते ना तो और अच्छा लगता। सर सर स्लाइड पे लिखते हम लोग नफीस सर जो पढ़ा या फिर जो पढ़ा रहे वो स्लाइड के थ्रू सेंड कर देते पहले हम लोग। बस ये बात है, हम लोग सर को बोलेंगे सर स्लाइड से पढ़ाइए, कोई इंडिविजुअल बात करें सर से। अरे कामिल भाई नफीस सर भाई स्लाइड से पढ़ाए, और सब जो इसको पढ़ा बोर्ड पे पढ़ा नफीस सर स्लाइड से भाई बुजुर्ग है वो बात करेंगे सर से पढ़ाए। बात करो अशफाक भाई, तुम बुजुर्ग, तुम जवान हो ना, तुम ही बात करो यार, बुजुर्ग थोड़ी ना करता है ये सब काम, जवान लोग करते हैं भाई। अब तुम लोग बात करो ना, तुम लोग का छोटा भाई हूँ मैं। कितने छोटे भाई पता चल रहा है? कितने छोटे भाई हो, इसीलिए बाल उड़ रहा है, इसीलिए बाल उड़ रहा है, इसीलिए बाल झड़ गया। वो तो अरे भाई छोटे को मजाक मत उड़ा, छोटे हैं इसीलिए बाल उड़ गए। हां हम लोग बड़े हैं फिर भी बाल नहीं झड़ रहा। वो तो जेनेटिक है भाई लोग, वो तो जेनेटिक प्रॉब्लम। अरे बस वो आप गंगा बीच पे जाके साइकिल चलाइए, इंशाल्लाह बाल आ जाएगी। गंगा बीच पे योगा करने से आ जाएगा तू ना। अरे एक दिन कामिल भाई गए थे, बड़ी मार मारा पुलिस वाला। हेयर रोप रो रहे होंगे पुलिस वाला लाठी से दादा। वेलकम बैक, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम तो हम लोग बात कर रहे थे कि सलाइवा के बारे में, कि सलाइवा जो है क्या है, एक
मिक्सचर है मेजर सेरेब्रल ग्लैंड का और माइनर सेरेब्रल ग्लैंड का, और मेजर सेरेब्रल ग्लैंड यू नो बेटर एंड माइनर सेरेब्रल ग्लैंड यू नो बेटर. आपको समझ में आया कि इस तरह सेरेब्रल ग्लैंड से बेसिकली क्या होगा, सेक्रेशन हो रहा है. जैसे आपको मैंने बताया था कि ये डिफरेंट, इसमें अगर सेरेब्रल ग्लैंड की बात करें तो मेजर ड्रग के बारे में हमने बताया था, है ना, स्टेंसन ड्रग, वाटर्स ड्रग, रेवाइनस और पार्थन ड्रग. तो आपको ये समझ में आएगा ड्रग सिस्टम कैसे काम करता है. अब हम लोग कर रहे हैं इसके बारे में कि सबसे पहले हर सेक्रेशन का हम लोग क्या जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक. हर सेक्रेशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा और उसके कुछ कॉमन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में बेसिकली हम लोग सबसे पहले हर जो कि मैंने कहा कि जितने भी सेक्रेशन पढ़ेंगे वो किसी हेडिंग के तहत पढ़ेंगे. तो आपको अगर ये हेडिंग अगर क्लियर है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है. सबसे पहले हमारा होगा हेडिंग, वो क्या होगा, टोटल सेक्रेशन. हम बात करेंगे कि एक दिन में टोटल क्या बनेंगे सेक्रेशन, कि एक दिन में बेसिकली यानी 24 आवर्स में कितने सेक्रेशन हो रहे हैं, ठीक है. तो सलाइवा की अगर बात करें तो टोटल सेक्रेशन कितना होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 800 लेकिन आपका ये एक हेडिंग होगा क्या, टोटल सेक्रेशन. दूसरा जो हेडिंग होगा कि जो हमारा सेक्रेशन है उसका नेचर क्या है, ठीक है. तो हम उसको क्या लिखते हैं, रिएक्शन. क्या लिखेंगे, रिएक्शन. उसका रिएक्शन क्या होगा, वो एसिडिक है, अल्कलाइन है, न्यूट्रल है, क्या है. तो हम लोग उसको लिखते हैं स्लाइटली अल्कलाइन या एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, ठीक है. इसका रिएक्शन क्या हो गया, स्लाइटली एसिडिक हो गया. अब नेक्स्ट जो हेडिंग बनेगा वो बनेगा क्या, पीएच का, ठीक है. अब हमने कहा कि ये स्लाइटली एसिडिक है, जाहिर सी बात है जहां से आपको पीएच का अंदाजा लगा सकते हैं और उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं. जाहिर सी बात है ये डाटा ऐसा है कि आप उसको भूल सकते हैं, लेकिन आपको अगर एग्जैक्टली भी नहीं आता तो मतलब इतना ब्लाइंडली ना लिखे. आपको एसिडिटी और बेसिक का क्राइटेरिया है वो आपको मालूम है. पीएच स्केल क्या होता है, 1 से लेकर 14 तक होता है. 7 जो है न्यूट्रल होता है, 7 से लेस होगा तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो वो अल्कलाइन होगा. ये पीएच का जो वैल्यू है ये बेसिकली वेरी करता है, और ये वेरी करता है बेसिकली 6.4 से लेकर 7.4, ठीक है. अब आप इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्लाइटली क्या हो रहा है, अल्कलाइन नजर आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली अगर टेस्ट करता हूँ उसमें जनरली ये एसिडिक टेस्ट में ही पॉजिटिव पड़ता है, ठीक है. लेकिन अगर मान लीजिए ये कंडीशन है, अगर यहाँ तक है तो हम लोग इसको नॉर्मल मान दिया, हम लोग इसको इसके सलाइवा को एबनॉर्मल नहीं मानते हैं. या उसको कोई अगर हम मान लीजिए किसी डिजीज का अगर डायग्नोसिस कर रहा है और हमें उसको पीएच से अगर मालूम पता करना है, जाहिर सी बात है अगर ये इस रेंज में है ये क्या है, नॉर्मल रेंज माना जाता है, ठीक है. बट इसकी स्लाइटली क्या होता है, एसिडिक होता है. नेक्स्ट जो इसका हेडिंग बनेगा वो क्या बनेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी. क्या बनेगा, स्पेसिफिक नीचे आ रहा है नजर या ऊपर कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हेडिंग होगा, एक्सक्यूज मी सर, सर बोर्ड क्लियरिटी नहीं है सर, कुछ नहीं दिख रहा. वो क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी सलाइवा का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है. तो ये है बेसिकली 1.002 से लेकर के 1.020, ठीक है, सॉरी 1.012, ठीक है. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका हो गया कितना, 1.002 से लेकर के 1.012. तो क्या हुआ, ये हमारे हेडिंग्स होंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सारे सेक्रेशन का जो हमारे बॉडी में होता है, सब के बारे में हम लोग यही लिखेंगे.
उसका पोटेंशियल कितना है, उसका रिएक्शन क्या है, उसका पीएच क्या कितना होता है, यानी पीएच क्या है एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये मैं आपको याद करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ये टाइम के बाद तो शॉर्टकट फंडा नहीं है कि जो हम आपको बता दें और आपको नहीं जान कर, लेकिन ये हेडिंग तो कम से कम आपको ये समझ में आया कि हेडिंग का क्या लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अमूमन हर साल एक न एक आता है, ठीक है, हम इसका बात करते हैं। अब आते हैं हम लोग सर मिटा दिए, नोट भी करना था आपने जो बटन लगा नहीं था, हटा देना चाहिए, अरे बोर्ड जा रहा है, स्लाइड से पढ़ा है सर। कंपोजिशन की बात करते हैं, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, तो उसमें बेसिकली क्या क्या है, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा इसीलिए हम लोग सेक्शन का कंपोजिशन लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें भी एक हेडिंग आएगा, क्योंकि किसी भी सेक्शन में हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वाटर कंटेंट, जो वाटर उसमें कितना है, और दूसरा कंटेंट ये होगा कि उसमें सॉलिड कितना है, यानी सॉलिड पार्टिकल के बारे में अगर हम लोग बात करें, उसमें जो है क्या है, वाटर जो सॉल्वेंट है वो 99.5% होता है, ठीक है, कुछ बुक्स में 99 दिया हुआ है, उसमें भी आपको घबराना नहीं है, अगर आप 99 लिख रहे हैं तो यहाँ पे 1 लिखना होगा, और राइट की बात है 99.5 है, यहाँ पे सॉल्वेंट लिखना होगा 0.5% होगा, ठीक है, होगा, ठीक है, अब फिर जो है सॉलिड होते हैं डायरेक्ट मास पार्ट का पे पर मगर उसका जो है सर सुनिए कह रहे हैं, बट अगर हम लोग इसकी बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड को फिर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक पार्ट, क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे इसमें, और दूसरा क्या होगा इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे, है ना, हम लोग आते हैं वन बाय वन करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक को हम लोग डाइजेशन में क्या होगा कि एंजाइम पार्ट होते हैं, हो सकता है कि जब हम लोग मतलब पढ़ेंगे तो वहां पे एंजाइम का इतना ज्यादा रोल नहीं आए, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट आएगा, इसलिए हम यहाँ पे एक हेडिंग बनाएंगे एंजाइम्स का, ठीक है, तो एंजाइम्स में और एक तो होगा एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं, और दूसरा यहाँ पे हम कर देते हैं कि अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या कंपाउंड जो भी करते हैं, ठीक है, अब एंजाइम्स कौन कौन से मिलते हैं इसमें, तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें एंजाइम्स जो है वो कौन कौन से हैं, तो इसमें एक बहुत कॉमन एंजाइम जो आप सभी लोग जानते होंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, एलेवरी अमाइलेज, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अमाइलेज और भी जगह अजीब आएगा, तो जब भी आप सलाइवा की बात करेंगे तो यहाँ एलेवरी अमाइलेज, जिसको हम लोग समझ रहे इसको पहले क्या बोलते थे टाइलिन भी बोलते थे, ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है लाइपेज मिलते हैं, इसके अलावा और भी एंजाइम्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं माल्टेज, एक एंजाइम होता है जो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, क्या होता है माल्टेज, इसको इसको एक और नाम दे रहे हैं लिंगुअल लाइपेज बोलते हैं, माल्टेज एल्को लिंगुअल, लिंगुअल के माने आपको पता है
ठीक है, तो एक मॉलिक्यूलर एंजाइम होता है, उसके अलावा इसमें कुछ क्या होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जिसमें बेसिकली क्या होता है लाइसोजाइम होता है। ये कॉमन बनना क्या होता है लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें और एंजाइम क्या होते हैं कार्बन एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। क्या होता है कार्बन एनहाइड्रेज। ठीक है, तो और इसके अलावा और एंजाइम है, बट आपको इतना ध्यान रखना है मेजर की आपको दो दो क्या ये चार आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी पांच ही ये इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा भी और एंजाइम्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप पांच ले देते हैं तो दैट्स ऑल। ठीक है, इतना काफी है, जरूरी नहीं कि जितना है आप सबको एक वन बाय वन टोटल दिया गया है। अगर सर साउंड इको हो रही है, आप स्लाइड से पढ़ा सर? सर स्लाइड ही से पढ़ा है सर, इको प्रॉब्लम है सर, और बोर्ड क्लियरिटी भी नहीं है सर। बोर्ड क्लियरिटी नहीं है और साउंड इको हो रहा है सर। आप साउंड ऐसा लग रहा है सर कैमरा दूर में रखा हुआ था, दूर रखा हुआ कैमरा सर। ओनली ब्लैक मार्कर यूज कीजिए, रेड और ग्रीन नहीं दिखता, रेड और ग्रीन नहीं दिख रहा। चलो ठीक है, रेड और ग्रीन नहीं यूज करेंगे सर। आप स्लाइड से पढ़ा है? स्लाइड से पढ़ा है। आपका अपना स्क्रीन ज़ूम कर लीजिए ना सर, आपका स्लाइड से ज्यादा बेस्ट था, वो पूरा क्लियर हो रहा था। यस सर, स्लाइड अच्छे तो स्लाइड से अच्छे समझ में आ रहा है। या फिर सर अगर बोर्ड से भी पढ़ाए तो स्लाइड शेयर कर दे पहले, क्योंकि यहां क्लियर दिखता नहीं है, बोर्ड क्लियर दिखता ही नहीं है सर। विजिबिलिटी की भी थोड़ी प्रॉब्लम है एंड साउंड की तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, प्लस साउंड इको भी कर रही है, नोट करने में दिक्कत हो रही है सर बोर्ड से क्या लिखा हुआ दिखता ही नहीं है। बोर्ड रिज्यूम कर कर के लिख रहा है सर, पूरा स्क्रीन भी शो नहीं कर रहा, बोर्ड पूरा शो नहीं कर रहा है, स्क्रीन बोर्ड पूरा शो, बोर्ड पूरा शो शो कर रहा, शो कर रहा सर, बोर्ड पूरा शो कर रहा है, बोर्ड शो कर रहा सर। सर ब्लैक मार्कर ब्लू मार्कर यूज कर सकते हैं सर, रेड मार्कर पूरा क्लियर दिखाई नहीं देता सर। सर स्लाइड से पढ़ा है बेस्ट, स्लाइड से पढ़ा है सर, अच्छा सब बोले स्लाइड से पढ़ाने के लिए। हां भाई स्लाइड से ठीक है, स्लाइड से पढ़ना है क्योंकि बोर्ड की पढ़ाई वो चीज नहीं होती है जो स्लाइड में होती है। आप लोग कह रहे हैं बोर्ड स्लाइड भी पढ़ा सकते हैं नहीं सर, बोर्ड से ही पढ़ाइए सर, अगर स्लाइड शेयर हो ठीक है, सर स्लाइड से पढ़ाइए, स्लाइड से शेयर कर दीजिए तब वो भी हो सकता है सर। मैं तो स्लाइड शेयर कर दीजिए उसके बाद बोर्ड सर, बोर्ड से ही बढ़ाई है लेकिन स्लाइड शेयर कर दीजिए। बिल्कुल जी सर, तो पढ़ाने से पहले भेज दिया करेगा सर, जो पढ़ाइएगा ना उसका पीडीएफ पहले स्लाइड पहले भेज दिया। Yes, sir.
टू एक्स पे ना बोलें सर, बहुत तेज बोल रहे हैं आप। 1x पे बोलें सर, स्लाइड से पढ़ाई है। अरे भाई बोर्ड से रहने दो ना, बोर्ड बोर्ड से कामिल भाई हो गया। कामिल भाई बोर्ड से ज्यादा अच्छा रहा था। अरे ऐसे बार बार सेक्शन भी ज्यादा अच्छा रहा था यार। इससे पहले स्लाइड से सर पढ़ा रहे थे सब, बोले बोर्ड से दिक्कत हो जाएगा ना। सर आप कुछ नहीं सुनेंगे, बोर्ड सही है भाई, बोर्ड से पढ़िए, बोर्ड सही है। बोर्ड सही है, बोर्ड से पढ़ लीजिए, नहीं तो पता चला कि ऐसे करके पूरा डिस्टर्ब में ही गुजर गया। प्लीज म्यूट करो अपना, आवाज क्या है? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड है, बाई फॉस्फेट होता है, बाई कार्बोनेट होता है। इसके अलावा इसमें आपको मिलेंगे कुछ में हो सकता है चेंजन आपको आएगा ऑर्गेनिक के केस में हर जगह आपको, यानी ऑर्गेनिक वाली चीजें याद करनी पड़ेगी। इसके अलावा इसमें हमने हेडिंग दिया है सॉलिड का, बट इसमें कुछ गैसेस भी होते हैं, और वो गैसेस कौन कौन से होते हैं तो बेसिकली आपको पता है कि गैसेस हमारे बॉडी में क्या क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी कोई गैस है बता सकता है? ऑफकोर्स नाइट्रोजन, ठीक है। तो अल्ब्यूमिन कौन सा है सर? जबकि यही जो है 30%। अब लिंगुअल ग्लैंड से बोलता है, कितना मिलता है 5%, एंड माइनर सेलिवरी ग्लैंड से हमें कितना मिलता है 5%, ठीक है। तो टोटल सेक्रेशंस जो हमारे हैं वो इस रेशियो से हमारे बेसिकली मिलते हैं। तो ये बेसिकली हमें क्या बताया कि बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसकी, फैक्टर्स। हियर आर फोर फैक्टर्स बेसिकली क्या करता है, इफेक्ट करता है। कितने फैक्टर्स है हमारे पास? चार फैक्टर्स है। सबसे पहला जो फैक्टर्स है उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ सलाइवा। क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ सलाइवा, ठीक है। यानी किससे सेक्रेशन ज्यादा हो रहे हैं, आपको ये बताया गया। तो राइट बात है, इसका सोर्स जो होगा उसी हिसाब से वो इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पैरोटिड ग्लैंड का जो सेक्रेशन होता है वो क्या होता है, वाटरी होता है, एंड रिच इन यूरिन होता है। तो डाइजेस्ट होता है,
दूसरा है नेचर ऑफ, ये क्या हुआ, ये पहला हुआ, दूसरा है नेचर ऑफ स्टिमुलस, नेचर ऑफ स्टिमुलस। सपोज यू लाइक बिरयानी, आपको बिरयानी पसंद है और आप किसी होटल के पास से गुजर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको क्या होगा, सेक्रेशंस जो होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, और उस वक्त जो सेक्रेशंस होगा वो किस तरह का होगा, सीरस टाइप का होगा, यानी पैरोटिड ग्लैंड का सेक्रेशन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ सेक्रेशन भी क्या करता है, मतलब सलाइवा के अंदर कंपोजिशन से उसको चेंज करता है, है ना, या कह सकते हैं उसका नेचर का जो है वो वेरी करेगा। तीसरा चीज है थर्ड थिंग इज दैट और क्या के फर्स्ट है सोर्स ऑफ सलाइवा, सेकंड इज द नेचर ऑफ स्टिमुलाई, एंड थर्ड इज द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई। Intensity of stimuli, intensity of stimuli, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, intensity। Suppose कीजिए आपको बिरयानी बहुत पसंद है और आप बिरयानी की दुकान से गुजर रहे हैं, लेकिन आप जब गुजर रहे हैं उससे पहले आपने खाना खा रखा है, तो जाहिर सी बात है आपका जो है सेक्रेशन वो नहीं होगा जो कि पहले केस में जब आप हंग्री थे, यानी जब आपको भूख लगी थी उस वक्त हुआ था, इस वक्त नहीं होगा। तो तीसरी चीज किस पर डिपेंड करेगा, उसकी इंटेंसिटी। चौथी चीज है क्या, डे टाइम, टाइम ऑफ डे। जैसे आपको पता है कि रात में सिक्रीशन जो है सलाइवा का कम होता है, ठीक है। तो ये चार फैक्टर हैं बेसिकली जो बेसिकली क्या करते हैं हमारे सिक्रीशन को पकड़ने या इफेक्ट करते हैं सलाइवा। Now coming to the function। सलाइवा क्या क्या फंक्शन करता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ सलाइवा क्या क्या फंक्शन करता है, तो जाहिर सी बात है सलाइवा जो है सबसे पहला जो फंक्शन करेगा वो क्या है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन किस तरीके से करता है, पहले देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन है, दूसरा क्या है, डाइजेशन, तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज होती है स्पीच, जो हम बात कर रहे हैं उसमें सलाइवा बेसिकली हेल्प करता है, क्यों हेल्प करता है, क्योंकि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। चौथी चीज क्या है इसमें, चौथी चीज है मास्टिकेशन, यानी हम लोग जो गिजा लेते हैं उसको क्या करते हैं, जो चिबाते हैं बेसिकली वो क्या करता है, उसमें सलाइवा मिक्सअप होता है, ठीक है, और वो मिक्सअप होकर के बेसिकली क्या बनाता है, बोलस बनाता है। पांचवी चीज हम लोग जो सलाइवा का फंक्शन है वो क्या है, टेस्ट, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग कोई भी गिजा रखते हैं तो थ्रू दी प्रोस्पोर्स कहा जाता है, टेस्ट बर्ड में जाता है और अल्टीमेटली खून जाता है गिजाइट पर, तो सलाइवा उसके साथ मिक्सअप होता है, ठीक है। एंड छठी चीज जो है वो क्या है, रिपीयर, यानी ये ब्रीथिंग में आना था, ठीक है। आपको मैंने कहा लाइसोजाइम एंजाइम है, तो लाइसोजाइम एंजाइम का क्या फंक्शन है, जाहिर सी बात है एक तो प्रोटेक्शन करता है, दूसरी चीज है कि अगर आपको वहां पे कुछ कटफट हो जाओ तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस, क्योंकि इसमें क्रायोजेनिक मटेरियल भी पाए जाते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, हेल्प करता है आपको, फाइट करता है, जिस तरह प्रोटेक्शन करता है, तो जाहिर सी बात है वो डाइजेशन करता है, स्टार्च आपको मालूम है, स्टार्च क्या है, ये
पॉलीसेकेराइड्स, क्या है पॉलीसेकेराइड्स, दीज आर दी मोनो यूनिट्स एंड इट इज देयर आर लॉट्स ऑफ मोनो एसिड्स, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल और इसमें क्या होता है एक अल्टीमेटली एक मार्केट पाया जाता है, जो मार्केट क्या करेगा पर्टिकुलरली अगर आप देखें इसके अलावा कुछ जी और